जिंद से हैं महावीर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी अकीम जी। जय हिंद, स्वागत। महावीर जी, कैसी तबीयत? तबीयत ठीक है जी। दो तीन क्वेश्चंस हैं। एक तो बेलगरी लेता हूँ मैं सुबेरे शाम को, अरंडी का तेल तो ठीक है, एक चम्मच ले लेता हूँ सुबेरे। बेलगरी के बड़े बड़े पीस, एक तो ये बताओ भाई, वो कौन लेना है, सारा लेना है सुबेरे, उसमें चौथाई तो आधा, क्योंकि गोल गोल बड़े पीस होते हैं। एक परसेंट तो ये है, ठीक। और दूसरी मेरी प्रॉब्लम ये हल नहीं हो रही, मेरे बुकेज है लेकिन मैंने ये नुस्खा बना रखे आप आला चारों चीजों का, जैतून का सरका, अदरक, नींबू, लेकिन इतनी गर्मी करे, एक चम्मच भी नुदे ही माग सी लाग गया है, फिर चार पांच गिलास पानी पीऊं तो घंटे दो घंटे में जाके ठीक हो है। इसके इसको ठंडा करने के लिए क्या करूं, अकेला जैतून का सरका लूं या नींबू अदरक थोड़ा डाल लूं, क्या करूं, एक तो ये बताओ जी मैंने। ठीक है। और एक तीसरा क्वेश्चन है, एक अपने कोई पड़ोसन है, एक औरत है, वो अपने काम करना आकर है, उसका उसके एक दो बज अटके आ लिए, उसके बाद उसका एक तो हार्ट बीट कम हो गया, 40-45 रहे, एक आधी बार हो गया है, और बीपी होने लग गया, तो उसका कोई इलाज है क्या, हार्ट बीट का? ये नुस्खा भी दे लग गया था मैं, लेकिन वो भी उसके भी गर्मी कर गया। तो ये तीन पर्सन है जी, इनके बारे में प्रॉब्लम हल करो जी। ठीक है। हाँ देखिए महावीर जी, कुछ पेट की दिक्कत तो है ही आपको, इस वजह से ये आपको तेज लगते हैं, ये चार चीजों के जो नुस्खा है, अदरक, लहसुन, नींबू और सिरके का। और जिन लोगों को भी ये नुस्खा ना चले, वो इसकी जगह नमक, जैतून एक चुटकी और खाने का सोडा एक चुटकी पानी मिलाकर पिया करें, तो इन सब चीज़ों से आपको राहत रह सकती है। और वो महिला जो आपके यहाँ काम के लिए आती हैं, उनके लिए भी यही सब है, अगर ये चल जाए तो बहुत अच्छा है, जो नुस्खा आपने बना रखा है, नहीं तो नमक, जैतून और खाने का सोडा दो बार एक एक चुटकी दें, तो मुझे उम्मीद है कि भगवान फायदा दे सकता है। बेलगिरी को लेकर और सवाल था कि साहब। हाँ, एक सवाल आपका रह गया बेलगिरी वाला। बेलगिरी का वो पीस होते हैं, कतले होते हैं इतने बड़े बड़े, तो वो एक कतला पूरे दिन में खाना है, चाहे तो आप आधा आधा दो बार खा लें, कोई बात नहीं, या एक साथ खाना चाहें तो एक साथ भी खा सकते हैं, आधा आधा दो बार खाएंगे तो बहुत बेहतर होना चाहिए जी।